हम आ गए हैं मिर्जापुर लोकसभा सीट। यहाँ पर सातवें चरण में मतदान होना है। क्या कुछ खास है मुद्दे, यहाँ की जनता क्या सोचती है 2024 के लोकसभा चुनाव में? यहाँ पर एनडीए की तरफ से अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में है, क्या गठबंधन का प्रत्याशी उनको कोई चुनौती पेश कर पाएगा? किस तरीके से यहाँ के हैं समीकरण, यहाँ के लोगों से ही हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं मिर्जापुर पर बनी है खास रिपोर्ट। धार्मिक और प्राकृतिक स्थानों के लिए मशहूर मिर्जापुर पूर्वांचल ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में अपनी सियासत के लिए जाना जाता है। इस सीट पर सियासत की अपनी अलग ही गणित चलती आई है। पिछले 40 सालों में मिर्जापुर का कोई भी स्थानीय निवासी यहां जीत कर संसद नहीं पहुंच पाया है। आखिरी बार साल 1984 में मिर्जापुर जिले के रहने वाले उमाकांत मिश्रा ने यहां से जीत दर्ज की थी। 1984 के बाद से इस सीट पर बाहरी नेताओं का दबदबा बढ़ता गया और ये सीट बाहरी नेताओं के लिए महफूज होती चली गई। मिर्जापुर में पिछले 40 साल से कोई भी लोकल प्रत्याशी सांसद नहीं बना, कोई भी नेता लगातार 3 बार इस सीट से चुनाव नहीं जीत पाया है। अपना दल सोने लाल की अनुप्रिया पटेल लगातार 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं। मिर्जापुर में इस बार के चुनाव में एनडीए की सहयोगी अपना दल सोनेवाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल हैट्रिक लगाने के इरादे से फिर से मैदान में उतरी हैं, लेकिन नामांकन के ठीक पहले सपा ने राजेंद्र एस बिंद का टिकट काटकर भदोही से बीजेपी के वर्तमान सांसद रमेश बिंद को टिकट देकर मिर्जापुर की लड़ाई में नया दांव चल दिया है। सपा के प्रत्याशी बदलने से मिर्जापुर की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। मिर्जापुर की लड़ाई दिलचस्प क्यों हुई है ये भी बताएंगे, लेकिन पहले एक नजर मिर्जापुर के मैदान पर डाल लेते हैं। अपना दल सोनेवाल से अनुप्रिया पटेल, सपा से रमेश चंद बिंद, बसपा से मनीष तिवारी। मिर्जापुर सीट पर किसी एक नेता का दबदबा ज्यादा दिन तक टिका नहीं है। इस सीट के वोटर्स ने मिर्जापुर से हर तरह की विचारधारा को सम्मान दिया और संसद भेजा है। फूलन देवी जैसी नेता भी इस सीट से 1999 में सांसद बन चुकी हैं। मिर्जापुर में पिछले 2 चुनाव से एनडीए की तूती बोल रही है। 2014 की मोदी लहर में मिर्जापुर से चुनाव जीतने वाली अनुप्रिया पटेल 2019 में भी यहां से चुनाव जीत चुकी हैं। एक नज़र 2019 के नतीजों पर भी डाल लेते हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल 5,91,000 वोट, रामचरित्र निषाद सपा से 3,59,000 वोट, ललितेश पति त्रिपाठी कांग्रेस से 91,050 वोट। मिर्जापुर सीट पर जातिगत राजनीति हावी रहती है। सपा के प्रत्याशी बदलने के पीछे का एक कारण ये भी माना जा रहा है। दरअसल मिर्जापुर में बिंद और यादव वोटर्स को अगर मिला दें तो इनकी संख्या लगभग 3,00,000 हो जाती है। सपा के दिमाग में शायद इसी जातिगत समीकरण की गणित चल रही होगी। वहीं पटेल वोटर्स की वजह से मिर्जापुर में लगातार 3री बार चुनाव जीत कर अनुप्रिया पटेल नया इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी है। अब इस चुनाव में अनुप्रिया पटेल नया इतिहास रचेंगी या सपा का जातीय गणित विपक्षी गठबंधन के मंसूबे को कामयाब बनाएगा, ये तय तो चुनाव के 7वें चरण यानी 1 जून को वोटिंग में होगा और पता 4 जून को नतीजों के बाद ही चलेगा। मां विंध्यवासिनी की धरती, जी हां, विंध्याचल क्षेत्र में हम आ गए हैं और हम पहुंचे हुए हैं मिर्जापुर लोकसभा सीट। लोगों से जानेंगे यहां पर क्या कुछ सोचते हैं वो लोकसभा चुनाव को लेकर, उनके क्या कुछ खास मुद्दे हैं। चुनाव एक बार फिर से आ गया है, लोकसभा चुनाव है ये, किस तरीके से क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हमारे लोग के मुद्दे जो मिर्जापुर का सबसे दुर्भाग्य माना जाए तो मिर्जापुर का कोई सांसद जल्दी मिर्जापुर में नहीं होता है। हमेशा कोई ना कोई बाहर से आके यहाँ राज करता है, सत्ता का राज करता है, मजा लेता है, पैसा इकट्ठा करता है और चला जाता है। यही लगातार दिखा गया है। और जब मिर्जापुर का लोकल आदमी होगा, 10 साल पहले भी जो बात होती थी पर्यटन के लेके, जो पीतल को लेके, कारपेट को लेके, वो बात आज भी वही के वहीं पर धरी पड़ी है। कोई प्रकार का विकास नहीं है। जो केंद्र सरकार द्वारा सीधे इंप्लीमेंट हो रहा है, जो जितनी योजनाएं हैं वो तो मान ली दिख रहा है, जैसे बिंद कॉरिडोर बन रहा है, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं नितिन गडकरी के माध्यम, वो हो रहा है। लेकिन जो मिर्जापुर का समस्या है रोजगार का, यहाँ का पर्यटन का, वो यहाँ पर कभी भी बदलाव नहीं हो पाया है। पीतल की समस्या जो 10 साल पहले थी वो आज भी समस्या बनी हुई है। कारपेट का जो एक इंडस्ट्री था यहाँ पे, 10-15 साल से यहाँ लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, रोजगार की समस्या है। एक भी इंडस्ट्री नहीं है, एक भी फैक्ट्री नहीं है, एक भी रोजगार का ऐसा कोई साधन नहीं है जहाँ पर 10 बच्चे काम कर सके। हरदम हमको पलायन करना पड़ता है दिल्ली मुंबई के। कैसे देखते हैं चुनाव आया, क्या?
यहाँ तो बहुत मुद्दे हैं, 10 साल से मुद्दे तो गौन हो गए हैं। राजनीति हो जो हो रही है वो धार्मिक राजनीति हो रही है। यहाँ पे मुद्दे गौन कर दिए गए हैं, किसी भी मुद्दे पे बात नहीं होती, न काम होता है। किसी तरीके का ध्यान वर्तमान सांसद द्वारा नहीं दिया गया। तो सबसे बड़ी मुद्दा इस बार बनेगा कि बाहरी वर्सेज लोकल। इस बार जो इंडिया गठबंधन से आए हैं वो लोकल हैं, वो लोगों के हित को जानते हैं, लोगों के समस्याओं को जानते हैं, इस वजह से उन पे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्या लग रहा है, कुछ बदला या फिर से आप बदलेंगे? देखिए, ये मिर्जापुर का दुर्भाग्य है कि उद्योग मंत्री का ये जिला है और उद्योग विहीन ये जिला है। यहाँ कोई उद्योग नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है। माननीय मंत्री महोदय लगभग 2 पंचवर्षीय यहाँ से सांसद हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है मिर्जापुर की जनता का और मिर्जापुर के लोगों का, मिर्जापुर के उन कार्यकर्ताओं का जो उनके लिए जीने मरने का काम करते हैं। जब उनके दरवाजे कार्यकर्ता जाते हैं तो वो जिस तरीके से अपने परिवार, उनकी जो पार्टी है उसका नाम है अपना दल, जिस तरीके से अपना दल का विकास हुआ उस तरीके से मिर्जापुर का विकास नहीं हो पाया। निश्चित ही इस बार उनकी विदाई तय है और जिस तरीके का आक्रोश उनके लिए दिख रहा है, आज तक इतना आक्रोश किसी सांसद के लिए मिर्जापुर में नहीं दिखा है। 2 बार से सांसद रही हैं आपकी, इस बार लगता है कुछ फिर से हैट्रिक लगाएंगी या कुछ बदलाव करेंगे? बदलाव तो गठबंधन करेगी, ये जाएंगी। अच्छा। मिर्जापुर में 10 साल से कोई विकास नहीं। अच्छा। एकदम नरक बना दिया गया, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली। पानी तो यहाँ हर घर नल कुछ नहीं है, सब आधा अधूरा है, आधा अधूरा है। न कहीं बोरिंग हो रहा है, न कुछ हो, कोई काम। कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर? जनपद मिर्जापुर में लहुरिया दह है, वहाँ पर पूर्व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के समय में कुछ काम हुआ है, उन्होंने असाध्य कार्य को साध्य किया, लेकिन बीच में कुछ ऐसी समस्या आई, राजनीति के सत्ता के उच्चाकांक्षाओं के लोगों ने जो है अपना शासन और भाव को प्रदर्शित करने के लिए, समाज में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कुछ ऐसा सुनने में आया कि पानी की व्यवस्था वहां पर खत्म कर दी गई। आज भी वहां के लोग, ग्राम प्रधान टैंकर बुला करके पानी पिलाता है लोगों को, तब शायद गांव के लोगों को पानी मिल पाता है और वह पानी की व्यवस्था बनी हुई। अगर भारतवर्ष के पिछड़े परिदृश्य को देखा जाए तो हमारा हलिया ब्लॉक मिर्जापुर में ऐसा है कि आज भी वह दर्शन कराएगा आपको भारतवर्ष का पिछड़ा परिदृश्य। तो ये सत्ता शासन और जवानी कहते हैं कि लोग हमेशा नहीं रहती है और ये मनमानी नहीं चल सकती, लेकिन उच्चाकांक्षाएं यह इस प्रकार की जन्म ले रही हैं कि वो जनहित में, लोकहित में, राष्ट्रहित में, न्यायहित में कितना न्यायप्रिय है और कितना लाभप्रद है, ये तो विचारणीय विषय है। केंद्रीय मंत्री रही हैं अनुप्रिया यहाँ पर, तीसरी बार लगता है फिर से आप लोग यहाँ पर उनको चुनेंगे या कैसे लग रहा है उनका चुनाव, कैसा चुनौती देगा गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ पर? चाहे जो गठबंधन हो, लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं कि उनका विरोध कहीं कहीं देखा जा रहा है। विरोध देखा जा रहा है, पहले ज्यादा बढ़िया था, पहले बढ़िया तब था, हकीकत पता नहीं लग रही है। हाँ जी, पहले बढ़िया इसलिए था कि लोग समझ नहीं पाए थे और जब इनकी भावनाओं को लोग समझने लगे तो कहीं न कहीं से इनका विरोध समझ में आ रहा है। कैसे देखते हैं आप, तो रोजमर्रा के काम करने वाले हैं, चुनाव आया है, क्या लगता है आपको, कहाँ से आज से? हमें तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जो हो रहा है तो ठीक ही हो रहा है और जो करने वाले हैं जो करेंगे। मोदी की गारंटी की बात हो रही है चुनाव में, चेहरा मोदी का, तो मोदी का तो गारंटी है। क्या क्या आपको लगा, क्या बातें अच्छी लगी? ये बात अच्छी लगी कि मतलब कि जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के अपना सिद्धांत काम कर रहे हैं और अब करेंगे भी। अच्छा, उम्मीद है, उम्मीद है। आध्यात्मिक नगरी है यहाँ पर, लोगों से जानेंगे, पूछेंगे। क्या देखा, विंध्य कॉरिडोर का भी निर्माण चल रहा है यहाँ पे बड़ा, इन सब चीजों का क्या असर यहाँ के वोटरों पे, ये मन पे पड़ेगा? देखिए, विंध्य कॉरिडोर को जो निर्माण हुआ है माँ विंध्यवासिनी की धरती पर, वो तो बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ, लेकिन उनके आड़ में क्या है, अभी तक पूरे काम हो नहीं चुके हैं, सब दिन पर दिन दिखाए जा रहे हैं। हालांकि बात करें तो 10 साल के पहले इस साल अपेक्षा में इतनी महंगाई हो चुकी है, यहाँ हम लोग जैसे बेरोजगार हो चुके हैं, जो युवा डिग्री लेकर पहुंचे हुए उनको नौकरी नहीं मिल रही है। बताइए, पहले तो 10 साल पहले आसानी से लोगों को नौकरी मिल जाती थी, इसमें नौकरी भी नहीं मिल, अगर हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगी हम लोग खाएंगे कैसे? एक आवास देने से, एक दाल चावल अनाज देने से क्या हम लोग काम था जीवन भर चल जाएगा? क्या हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ जाएगी? भाई साहब से मैं जानना चाहता हूँ, उन्होंने बेरोजगारी की बात की यहाँ पर। भाई साहब, मैं आपको क्षमा चाहूंगा अगर आपको मेरी बात बुरा लगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन बीए ग्रेजुएट है। बीए आप ग्रेजुएट हैं? भाई साहब से ग्रेजुएट की स्पेलिंग पूछ लीजिए। चलिए आप बताइए, मुद्दे ये सब चीजें जो है, तमाम सारे काम होते हैं। देखिए, हम लोग विकास देखते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने केंद्र में एनडीए गवर्नमेंट, सॉरी कांग्रेस की सरकार देखी,
और इसके अलावा राज्य में हम लोगों ने सपा की सरकार देखी, सपा की सरकार थी, हम लोगों के पास 24 घंटे बिजली नहीं हुआ करती थी। कभी केंद्र की सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। जब से हमारी 2014 में जब से मोदी जी की सरकार आई है और 17 में जब से योगी जी की सरकार आई है, पहली चीज़ कि हमारा मिर्ज़ापुर विकास की तरफ अग्रसर है, 24 घंटे में बिजली मिल रही है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉजिस्टिक पार्क, विंध्य कॉरिडोर और भी बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि मिर्ज़ापुर को मिली हैं। इसके पूर्व किसी से ही पूछिए आप बाहर जाकर मिर्ज़ापुर क्या है, मिर्ज़ापुर तो हम जानते ही नहीं है क्या चीज़। आज इतना विकास हुआ है मिर्ज़ापुर में कि दूर दूर के लोग मिर्ज़ापुर के विषय में जानने लगे। अब मिर्ज़ापुर पिछड़ा नहीं रह गया है, और भी बहुत सी परियोजनाएं हैं जो कि मिर्ज़ापुर में आएंगी और मिर्ज़ापुर विकास की ओर है। केवल और केवल बहन अनुप्रिया पटेल जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही ये संभव हो पाया है, अन्यथा किसी सरकार ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया था कि मिर्ज़ापुर कहाँ पर है और क्या स्थिति है। तो हमारा मुद्दा यही, जैसे आप भाई साहब ने रोजगार की बात किया, 70 साल जब कांग्रेस ने राज किया है तो कितनी नौकरियां दिया हैं, क्या ये कुछ आंकड़ा बता सकते हैं? ये सरकार जब से 10 साल तक आई है, 10 साल से विकास तो बहुत है। ये सड़कें की बात कर रहे हैं, वही भाई साहब सड़क की बात कर रहे थे, ठीक है, नगर के अंदर काम चल रहा है नगर पालिका के माध्यम से, ये केंद्र की, ये राष्ट्रहित में काम हो रहा है, केंद्र सरकार राष्ट्रहित में काम देख रही है। और भी जाइए, हाईवे पर जाइए, देखिए सड़क कैसी बनी है। आप जाएंगे जहां 1 घंटा लगता है तो वहां 20 मिनट में आप पहुंच जा रहे हैं, ये देखिए। लेकिन अब नगर के अंदर जो सड़कें हैं वो नल के लिए खुदाई, पानी के लिए खुदाई हुआ है, वो बन भी रहा है और खुदाई भी हो रहा है और उसके बाद बन भी जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये राष्ट्रहित में काम हो रहा है। ये जो सांसद बनेंगी अनुप्रिया पटेल जी, वो राष्ट्रहित के लिए ही बनेगी, न कि नगरी समस्या आपस की समस्या के लिए ही बनेगी। ये बात है, ये कह रहे हैं कि इससे पहले बिजली नहीं आती थी। जरा इनसे पूछिए कि पिछली सरकार में बिजली कै रुपए यूनिट थी? आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा जिला है जहां सबसे महंगी बिजली मिलती है। ये बात कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज की, जरा इनसे पूछिए, पूरे प्रदेश में एकमात्र ऐसा मेडिकल कॉलेज है जहां एडमिट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस मेडिकल कॉलेज में कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, अगर रात में किसी को हार्ट अटैक हो जाए कोई डॉक्टर नहीं है मिर्ज़ापुर के अंदर। कौन सा मेडिकल कॉलेज आपने बना दिया? केवल बिल्डिंग बना देने से विकास होता है? बिल्डिंग बनाने का मतलब है कि आपने चोरी किया है। देश में हंगर स्टेट में 111 नंबर पे हिंदुस्तान आ गया भुखमरी कुपोषण के लिए, और इन्होंने केवल ये पूछे एम्प्लॉयमेंट के लिए 10 सालों में इन्होंने क्या किया, कौन सी वैकेंसी? महिला भी आई हुई है, इनसे भी पूछे आधी आबादी से आप क्या सोच रहे हो चुनाव आया, क्या मन में क्या रहता है आप लोगों को? हम लोग के मन में क्या रहेगा जब गरीबों का कहीं सुनाई ही नहीं होता? अच्छा। कहीं भी कोई भी चीज का दरखास्त देंगे तो कचरा का पेटी दरोगा लोग खोल के बैठ जाते हैं, गुंडाई अपने आप में दिखाते, वर्दी का रुआब तो इतना है कि आसमान छू रहा है। गरीबों को चींटी की तरह ऐसे पैरों तले रहना। क्या लग रहा है इस बार? हम चाहते हैं कि इस बार जब जीते तब तो गरीबों को सुनाई पूरी तौर से। कौन जीते आप बताएगा? अब कौन जीतेगा ये तो नसीब बताएगा, अभी हम बताएंगे तो ठीक नहीं लगेगा। कौन है पसंद? तो हमें बहुत लोग हैं, इससे मन ऐसे तो हमारे सोना भैया थे तो हम सोचे थे उसी में डाले, अगले बेरी 2-3 बेरी डाले। चलिए आपको क्या लगता है? हमारे साहब मोदी जी गारंटी, एक चाइना गारंटी है। अच्छा। इसकी कोई गारंटी ही नहीं है। वो बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन कहाँ है बताइए, कहाँ है? सबके खाते में बोले थे 15-15 लाख रुपए आएगा, कितना लाख रुपया आया है ये बताइए ना। या तो अच्छी शिक्षा है, अगर अच्छी शिक्षा है तो इतना पैसा लग रहा है बताइए, यहाँ क्या है ना, अच्छे से इलाज होता है ना, कुछ भी है बताइए। अब भी आगे आ जाए। और खाद्य सामग्री भी इतनी महंगी हो गई है, सिलेंडर महंगा है, दाल का भाव बढ़ा दिए गए, क्या क्या लग रहा है ये बताइए। आपकी मिर्ज़ापुर मोदी में क्या कमी है, कमी बताइए आप। जनता तो चाह रहे फिर मोदी आए, और भी बीजेपी की सरकार है फिर भी मोदी आएंगे, सरकार उन्हीं की बनेगी तो बच्ची खुद दौड़ लो। अरे यार कितना मोदी काम किया है, इतना किया, क्या करें भैया, घर द्वार पैखानी पैखाना कुछ तो कहती है, रुपया पैसा कुछ तो पावत है, अनाज उनका नहीं खाते हैं। अब अगर उससे ज्यादा नमक रमई करें तो कोनो बात नहीं पा, सरकार फिर आएगी। आप कैसे देखते हैं? मैं संतोष सोनी हूँ। क्या लगता है मिर्ज़ापुर में इस बार? मिर्ज़ापुर में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन आगे लग रहा है? जी जी, एकदम एकदम गठबंधन आगे है और गठबंधन आ रही है, ये पूरा जनता को विश्वास हो गया है।
हमारा लोकतंत्र में हम पैदा हुए हैं, लोकतंत्र हम चाहते हैं, राजतंत्र नहीं चाहते हैं। फिर राजा एक ही बनेगा और जो ऐसे चाहेगा वैसे कार्य करवाएगा। जो आज ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी शोषण हो रही है, कृपया उनके घर जाकर के पहले आप देख लीजिए कि उनका घर किस तरीके से बना हुआ है। दो दो लाख ढाई ढाई लाख रुपया पास करा करके घर बनवा रहे हैं, राशन ले रहे हैं, उसके बाद भी इस तरीके सरकार को अगर किसी भी तरीके से कोस रहे हैं तो ये गलत बात है। जिस तरीके से यहाँ पर विकास हुआ है वो विकास देख करके कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ विकास नहीं हुआ है। जो आज कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, किसी भी तरीके से जो है अभी हमारी माता जी हाल ही में एक्सपायर की हैं, लेकिन सारी व्यवस्थाएं लेकर के भी वो कैंसर था इसलिए वो एक्सपायर की हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं जबकि यहाँ पर मुहैया हुई हैं। और लोग कह रहे हैं जब वो आप सही जगह पर पहुँच ही नहीं पाओगे तो उसके लिए आप किसी को कहें दोष दे रहे हो। यहाँ पर जो है अनुप्रिया पटेल जी की सरकार बन आ रही है, मोदी जी सरकार बना रहे हैं और मोदी आए थे और आगे भी आते रहेंगे, हमसे कोई बाजी लगा ले। और का रोड देखे थे आप, आए दिन एक्सीडेंट, दो ओवर का रोड बन चुका है और उसके बावजूद पूरा और आई तक बना है और उसका फ्लाई ओवर आप देख ही रहे हैं। और अनुप्रिया पटेल आई थी और आएंगी इस बार भी। सिर्फ पास हुआ था, बना नहीं था। यही पीपा पुल था, भटौली वाला यही पुल था आपका। अभी बोल सकता हूँ मैं, अभी नारियल यही बोलता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है फाइव स्टार होटल बनवा रहा हूँ, लेकिन बनवाऊंगा तब मुझे बनवाएगा उसका ये बनवा। और आई का रोड अगर बताया जा रहा है तो उसका टोल भी बताया जाए कि 1350 रूपए टोल था, उसका 1350 रूपए टोल कर दिया गया विगत साल भर से। जब कोई चीज बनेगा तो महंगा नहीं होगा। हमारा ये कहना था कि अगर इतना विकास हुआ है तो बड़े बड़े मंचों से लोग हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात क्यों आ रही है? आप 5 किलो अनाज की बात करते, आप रोजगार की बात करते, 15 लाख रुपए की बात करते, लेकिन बड़े बड़े मंचों से आप जब क्या कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे, देश और मुसलमान पाकिस्तान की बात करेंगे तो कैसे विकास के मुद्दे? विकास हुआ तो विकास के मुद्दे बात कर लीजिए। आपने 10 साल में अगर 5 काम गिना के मोदी सरकार अपने ही मंच से भाषण दे कि मैं 10 साल में ये 5 काम किया हूँ, लेकिन वो 5 काम नहीं बात करते हैं, बोलते हैं आपकी संपत्ति बिक जाएगी, आपका घर चला जाएगा, मुसलमान ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। हर घर जो नल का बात है, पहले भी हर घर में नल लगा हुआ था, नगर पालिका के माध्यम से हर घर में टुल्लू के माध्यम से लोग पानी पूरे क्षेत्र। इस समय जो लोग ये लोग काम कर रहे हैं इससे क्या है कि अभी काम चल रहा है उसका कोई धरातल चलता है समय लगता है। हाँ, लेकिन 5 साल 7 साल 6 साल रुपया हो गया, पूरा मिर्जापुर खना हुआ है। आप देखिए ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, आप 5 साल पहले भी आएंगे ऐसे ही था, आज भी वैसे है, पूरा मिर्जापुर खना हुआ है, पानी कहीं नहीं पहुंचा है, अब कब पहुंचेगा पता नहीं। ऐसे आप बताएं मुद्दे क्या रखे यहाँ पे? अब मिर्जापुर में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत पीछे है। यहाँ पे अगर किसी को अचानक कोई प्रॉब्लम हो जाती है कार्डियो का या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पे कोई तत्काल प्रभाव से कोई ऐसा सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में कि उनको उसका इलाज किया जा सके। जी, और क्या देख रहे हैं, लड़ाई किस तरीके लग रही है? अनुप्रिया लड़ाई में 2 बार जीत चुकी हैं, क्या हैट्रिक लगा पाएंगी इस बार या इस बार? मुझे तो लगता है कि अनुप्रिया जी इस बार भी अपना हैट्रिक लगा लेंगी, जिस तरीके से यहाँ का माहौल है, और टक्कर तो रहेगी ही, जैसा कि गठबंधन और सपा का गठबंधन दिख रहा है। हैट्रिक लगना बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, मगर उनका हैट्रिक लगना तय है। देखिए आप बताएं, युवा हैं, क्या सोच के वोट करेंगे? अभी तो मैं जस्ट 18+ हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट होगा, तो मैं बाकी लोगों के तो बहुत सारे मुद्दे होंगे लेकिन पहले मैं खुद के लिए बात करना चाहता हूँ। और मेरे तरफ से मेरे लिए बस मेन 2 या 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स कह सकते हैं। पहला तो लेकिन एजुकेशन को हो जाएगा कि जैसे हम जैसे 12th पास करते हैं और फिर हमें फ्यूचर में कुछ आगे करना है और हम एक अच्छी डिग्री के मतलब अच्छे पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो हमारे लिए कॉलेजेस नहीं है। जैसे मैं बी कॉमर्स से मैंने किया है 12th और मुझे बी कॉम के लिए अप्लाई करना पड़ा क्योंकि BBA बस एक ही कॉलेज था और वो भी फुल हो चुका है सीट से। तो फर्स्ट टॉपिक तो ये हो गया। और दूसरा हमारा मतलब हमारा जो सिटी है, कहीं भी कोई भी एरिया हो, गली हो, रोड, सब कुछ खराब ही चल रहा है। मतलब कोई अगर बाहर से भी आता है ना तो बोलता है यार ये क्या है, कहाँ घुमा रहे हो, मतलब वो बोलता है घर पर ही ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। और तीसरा हमारा मतलब हेल्थ से रिलेटेड, जैसा कि बताया गया हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ और ये सब, इनको रखना जरूरी है।
ये तमाम सारी चीजें बताई। युवा है, पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, मन में ढेर सारे इनके सवाल है, वोट डालने से पहले कुछ और लोग आए हुए हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है यहाँ पर मिर्जापुर में कौन से बड़े मुद्दे हैं मिर्जापुर वासियों के? देखिए यहाँ क्योंकि बाहरी लोगों का जमावड़ा बार बार रहा है, बाहरी प्रत्याशी आके मिर्जापुर के लोगों को छलते रहे हैं, इसलिए मिर्जापुर का विकास नहीं हो सकता है। अगर बाहरी लोग यहाँ नहीं रहते, बाहरी प्रत्याशी यहाँ ना आते तो मिर्जापुर का विकास होता। अगर यहाँ का लोकल प्रत्याशी होता तो यहाँ के लोगों का जो दबाव होता उस पर काम करता, लोगों की सेवा करता, सुनता। बाहरी लोग आए मौज मस्ती लिए, जब तक चुनाव जीते रहे, चुनाव हार गए तो लापता हो गए। इसलिए इस बार मुद्दा है कि बाहरी भगाओ अपना लाओ, ये मुद्दा है। और हमारे जो है दौलत सिंह पटेल या रिटायर प्रिंसिपल है, अच्छे प्रत्याशी है, पुराने समाजवादी है, उनको भी भारी समर्थन मिल रहा है। देखिए हम आपके मुद्दे जानने आए हैं, आपके मन में क्या है, हम मुद्दे आपको बताने नहीं आए हैं, हम बताएंगे नहीं, आपसे जान के जाएंगे यहाँ पर, यहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं, क्या कुछ। ये समझिए कि ये अमेरिका नहीं है, यहाँ पे हम सांसद चुनते हैं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। इसलिए हम आपसे कहें, सांसद का परिवर्तन जरूरी है, इसलिए सांसद ने 10 सालों में केवल बैठ के गाड़ी में घूमने का काम किया है और लोकल स्तर पे मिर्जापुर में एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई काम नहीं किया है। कम से कम ये एम्प्लॉयमेंट आपने बता दी, यही बातें बता दी। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं यहाँ, आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे यहाँ मुद्दे हैं कि यहाँ पर विकास हमें चाहिए व्यापारियों का, न कि यहाँ पर आए लोग और पैसा अपना बना के लेकर जेब में चले जाए। हमें ये चाहिए, यहाँ विकास हमें चाहिए। व्यापारी लोग आज परेशान है, व्यापारी चाहे यहाँ मिर्जापुर में कोई सी चीज को लेकर के यहाँ कोई विकास नहीं है, केवल कागज के विकास है या फिर जैसे कि केंद्र जो मोदी जी या कोई जी पास होता है वो विकास है, लेकिन अनुप्रिया ने आज तक किसी मोदी जी का विकास आपको नजर आता। क्या मुद्दे हैं मिर्जापुर वासियों के, आप लोग क्या सोचते? जैसे अभी बहुत लोग बोले हैं कि बाहरी और भीतरी, बाहरी और भीतरी से क्या होता है, हमको विकास से मतलब, इंसान इंसान के काम आता है। मेरे जो सांसद जी हैं हर लोग के सुख दुख में जाती हैं, पहला चीज। दूसरा चीज भी एक भाई साहब बोले हैं कि केंद्र का एक कागज का काम है, बिना सांसद के बताए वहाँ पे काम नहीं होता है, आपको ये पता होना चाहिए। बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए कि मैं किसको बोल रहा हूँ, क्योंकि जब सांसद जी वहाँ सदन में बात उठाती है तभी काम आगे बढ़ता है। बिना उनके बताए प्रधानमंत्री देखने यहाँ नहीं आते हैं, स्वयं सांसद जी जाके बताती हैं कि मेरे शहर में क्या क्या काम है। अभी इतना बड़ा पुल का पास हो चुका है, वही काम होने वाला है। अब आप केंद्रीय कार्यालय देख ही चुके हैं, विद्या कार्यालय सब कुछ खुल ही चुका है, काम हो रहा है, जोरों से होगा। और इस बार तो हैट्रिक लगेगा कि काम का विकास भी बढ़ेगा। चलिए, ये तमाम सारे लोग थे मिर्जापुर के जो अपनी अपनी राय रखी है हमारे साथ। हमारी सबसे अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, चुनाव आया है, ये आपका अधिकार भी है और वोट डालना आपका कर्तव्य भी है, तो सभी लोग वोट जरूर डालिए। मिर्जापुर से आज इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, नमस्कार।